कश्मीर अब बदल चुका है। साल 2014 के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से कश्मीर को लेकर ताबड़तोड़ फैसले लिए वो किसी से छिपा नहीं है, और यही वजह है कि इसकी चर्चा पड़ोसी देश पाकिस्तान में तो हुई, इसके अलावा दुनिया भर में मोदी सरकार का कश्मीर को लेकर जो स्टैंड रहा, यूएन में जिस तरह से भारत ने अपनी आवाज बुलंद की, पाकिस्तान के इरादों पर जिस तरह से भारत ने पानी फेरा, वो सारी चीजें पूरी दुनिया ने देखी, और इसी का नतीजा है कि कश्मीर की तस्वीर अब बदल गई है। अब वो तस्वीर है जहां पर लाल चौक पर तिरंगा फहराया जाता है, वो तस्वीर है जहां पर वंदे मातरम और जय हिंद के नारे लगते हैं, तस्वीरें जम्मू कश्मीर से शांति की सामने आती हैं। इसके अलावा जो वादियां जिनकी चर्चा हुआ करती थी, जिस खूबसूरती का जिक्र हुआ करता था, आतंकवाद जिस पर एक बड़ा दाग था, वो दाग समझ लीजिए अब मिट चुका है, क्योंकि सीधे तौर पर मोदी सरकार ने एक्शन लिया है, और इसमें सबसे बड़ा फैसला लिया गया था अनुच्छेद 370 को हटाने का। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कश्मीर की तस्वीरें किस तरह से बदल रही हैं, वो अलग बात है कि विरोधी दल इस पर भी तंज कसते हैं, लेकिन अंदाजा पीसी से लगाइए कि जिस कश्मीर में कभी तिरंगा फहराने पर बवाल हो जाया करता था, सेना पर पत्थर बरसाए जाते थे, आतंकवादी हमले हुआ करते थे, वहीं आज जो तस्वीर है उसमें खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन के साथ बर्फबारी करते हुए नजर आते हैं, वादियों का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं, लाल चौक पर तिरंगा लहराते हुए नजर आते हैं। ये सारी चीजें अगर किसी की देन है तो वो है मोदी सरकार। अब चूंकि 77वां स्वतंत्रता दिवस समारोह करीब है, ऐसे में शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आया। दरअसल पुलवामा में हजारों लोगों ने मेरी माटी मेरा देश तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इसकी तस्वीर और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। आपको बता दें पुलवामा के सरकारी डिग्री कॉलेज में ये विशाल तिरंगा रैली निकाली गई थी। इस दौरान देशभक्ति और राष्ट्रवाद का जोश देखने को मिला। इस रैली में बड़ी संख्या में युवाओं, स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों ने, विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों ने, नागरिक समाज के सदस्यों ने, जनप्रतिनिधियों ने और आम जनता ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को एक बार आप फिर से देखिए। अब देखिए यही वो तस्वीर है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, वो पुलवामा जहां पर आतंकवादी घटनाएं हुआ करती थी, वो पुलवामा जो कभी सुरक्षित महसूस नहीं होता था, वहां पर आज राष्ट्रवाद और देशभक्ति का जोश देखने को मिला। तो निश्चित तौर पर इसका क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है और उनकी तारीफ बनती भी है। आपने वीडियो देखा, आपने जम्मू कश्मीर के बदलते हालातों को देखा, आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।